नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर में लोकायुक्त ने बिजली विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी के मामले को सुलझाने के लिए एई और जेई ने 23,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई को अंजाम दिया। विद्युत वितरण केंद्र लक्ष्मीगंज में हुई घटना में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों का कहना है कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। फरियादी के मुताबिक उसके मकान पर काम के दौरान ठेकेदार ने गलत तरीके से खंभे से कनेक्शन जोड़ लिया था और उसी दौरान बिजली चोरी का केस बनाया गया था और अधिकारियों ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। सर, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो थर्ड फ्लोर से जो लेबर है उसने वायर डाला तो खम्मा भी हमारा घर के जस्ट बी साइड में लगा हुआ लग के मतलब खड़ा हुआ है तो उसके वायरिंग ओपन है। मैंने दो तीन बार शिकायत भी की कि सर हमारे यहाँ मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे तो इसको आप क्लोज करा दीजिए। हमारे पास ऑलरेडी कॉमर्शियल डोमेस्टिक ये सब कनेक्शन है। उसके बावजूद भी अब जो नीचे से वायरिंग आई है तो लेबर ने ऊपर से डालते हुए लेने थे नीचे से ही उसको ऊपर उसको खम्भे वाले मतलब बाहर वो निकले हुए हैं तो उसने उसी में से डाल लिया। उस दौरान इस कार्यालय से बिजली विभाग से इनका इंस्पेक्शन होता है। उन्होंने बोला भैया आपके यहाँ से ये लाइट लगी हुई है, ओनर आप ही हो? हमने हाँ हाँ बिल्कुल। हमने अरे अच्छा अच्छा मैं गया, फिर मैंने वायर हटाई। मैंने सर अब ठीक है जो भी अब पेनल्टी बिल्कुल बनती है क्योंकि चोरी की है तो अब ठीक है। अब जैसे तैसे फिर इन्होंने अपने लाइनमैन से और एक और जो असिस्टेंट है उसके द्वारा खबर भेजी कि सर आपका या तो केस बन जाएगा ये 60 से 1.5 लाख रुपए तक, क्योंकि साल आपने चाहे अभी 5 मिनट पहले भी चोरी की हो वो आपका साल भर का मतलब आपका बन जाएगा केस। तो उन्होंने और ये 60 से 1.5 लाख का बनेगा तो सर ने डिमांड रखी है 40,000 रुपये में आपका ये रफा दफा कर देंगे। तो मैं साहब से डायरेक्टली आया, फिर मैंने सर ऐसे मतलब इतना ये कैसे, उन्होंने नहीं आप इससे हम कम नहीं कर पाएंगे और आपको लगता है तय हुई आपके फिर फाइनली मतलब 23 में मतलब उन्होंने फाइनल कर दिया। ये डार्क कौन ने बोला था आपसे? ये 23 में बोला था जेई साहब ने कोडिंग में लिख के दिया था। वो बोल नहीं रहे थे पर यही साहब बोल रहे थे कि भाई हम 25 से नीचे नहीं कर पाएंगे आपका, नहीं तो फिर 60-65 का बिल बनेगा तो फिर आप जानेंगे। आपने शिकायत की? फिर मैंने कहा यार मैं नहीं, इससे ऑलरेडी पहले 2 दिन पहले मैं 15,000 रुपये दे आया था यही साहब को कि सर जैसे वैसे अब जो भी हुई है सर वो पेनल्टी आप कर लीजिए। तो इन्होंने वो रकम नहीं ली, 2 दिन तक रखे रहे, 2 दिन के बाद इन्होंने फिर वो रकम पहुँचाई, इतने में नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट फाइनली उन्होंने 23 में मतलब कहने लगे कि हम फाइनल कर डालेंगे। फिर मैंने शिकायत की, फिर लोकायुक्त में गए, मैंने कहा सर मैं उनको ऐसा ऐसा देकर आया हूँ। और ठीक है सर, दिनांक 5 जनवरी 2018 को आवेदक योगेंद्र साहू है जो कि गेंडेवाली सलक न्यू शांति कॉलोनी का रहने वाला है। इसने लोकायुक्त कार्यालय उपस्थित होकर शिकायत की कि बिजली विभाग की टीम ने 15 दिन पूर्व इसके घर का निरीक्षण किया था तो इसके यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो मजदूरों ने ऊपर सीधे खंभे से कोई तार डाल के लाइट जला ली थी। इस संबंध में वो टीम के द्वारा कहा गया कि तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आप कार्यालय में आके मिलिए। इसके बाद ये कार्यालय आके यहाँ जो सहायक यंत्री हैं रोहित सेंगर और कनिष्ठ यंत्री अनूप कुमार उनसे संपर्क किया तो इन दोनों ने इसको धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी और हम इतना बड़ा बिल निकाल देंगे, 60-65,000 रुपये तुम्हें भरने पड़ेंगे, नहीं अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो मुझे 30,000 रुपये रिश्वत में दो। आवेदक को बर्थ रिकॉर्ड इशू करके उससे इन दोनों की बातचीत 2 बार रिकॉर्ड कराई गई और उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि इनके द्वारा कार्रवाई नहीं करने के एवज में उससे 30,000 रुपये की मांग की, जो आवेदक के द्वारा निवेदन करने पर उसको राशि को कम करके 23,000 रुपये कर दिया गया। उसके पश्चात ट्रैप आयोजित किया गया और उसमें नोटों पर फ्लॉपिंग पाउडर लगाने के बाद आज आवेदक जब यहाँ उपस्थित हुआ तो उपरोक्त दोनों अधिकारी यहाँ मौजूद मिले और उन्होंने उप नोटों को एक कार्यालय में जो एक टेबल रखी थी उसके ड्रॉबर में रखवाया आवेदक से और जो हमने नोट जब्त कर लिए, दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।